जापान एक ऐसा देश जिसे आने वाले दुनिया का उगता सूरज माना जाता है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता, पर इन सब के अलावा जापान को एक गायन शौचालय का भी देश कहा जाता है, या फिर एक ऐसा देश जहां की ट्रैफिक लाइट्स ब्लू कलर की होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो इस देश को दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो चलिए खुलकर जानते हैं इस देश के बारे में। नंबर वन, स्क्वायर वाटरमेलन्स। दोस्तों, तरबूज के इस आकार का आविष्कार पिछले 70s में एक ग्राफिक डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि इस आकार में इन्हें फ्रिज में मजबूती से रखा जा सकता है और काफी आराम से काटा भी जा सकता है। जापान के किसान इन्हें एक स्पेशल कंटेनर में उगाते हैं, जैसे कि ये काफी महंगे और खूबसूरत होते हैं। लोग इन्हें खाने के तौर पर न खरीद के सजाने के तौर पर ज्यादा खरीदते हैं। नंबर टू, रामेन नूडल्स बाथ। हाकोन में बसे इस यूनशान स्पा रिजोर्ट में सुअर के मांस का सूप और रामेन नूडल्स खिलाकर लोगों का दिल बड़े आराम से जीत लिया जाता है। जापान के काफी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उनका ये मानना है कि सुअर के मांस का सूप उनकी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में कोलेजन पाया जाता है। नंबर थ्री, बिजार फ्लेवर ऑफ किटकैट। चिल्ली पेपर, वसाबी, स्वीट पोटेटो, ग्रिल कॉर्न, सोयाबीन, साल्ट वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी, ये सब बस कुछ किटकैट के छाटे गए फ्लेवर्स हैं जो जापान के लोग खाते हैं। इनमें से आप कौन सा खाना पसंद करेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर फोर, फेक फूड। जापान के कुछ एक्सपर्ट्स प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं, और वो भी देखने में उतना ही लजीज लगता है जितना कि असली खाना लगता है। जापान के कितने ही रेस्टोरेंट्स इन प्लास्टिक के खानों को अपने रेस्टोरेंट्स की खिड़की के पास लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि इन प्लास्टिक के खानों को तैयार कराने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। नंबर फाइव, रैबिट आइलैंड। 1940 की बात है, जब वैज्ञानिक ओकुनाशिमा आइलैंड पर कुछ चूहे लाए और उन पर टेस्ट करने का सोचा, पर कुछ महीनों बाद वहां उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग वहां घूमने जाने लगे और अब वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। नंबर सिक्स, पूरी कुरा मशीन्स। किसी बूथ में फोटो लेना कोई नई बात तो नहीं, पर जापान ने अपने अनुभव से उसमें एक नया मोड़ दे दिया। उनके फोटो बूथ को पूरी कुरा नाम से जाना जाता है, जो आपको वही उसी वक्त उन फोटोज को एडिट करने की अनुमति भी देता है, और आप उससे अपने फोटो में स्टिकर्स एड कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, और इन सब के बाद बड़े आसानी से उन फोटोज को अपने सेल फोन में भेज सकते हैं। नंबर सेवन, पीपल पुशर्स। मेट्रो स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन, जापान में काम के घंटों में वहाँ आपकी सोच से भी ज्यादा भीड़ रहती है, और इसी सब के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम मेंबर को ये ड्यूटी रोज निभानी होती है कि ट्रेन्स में जितने पैसेंजर्स हो सके उतने भर सके जब तक कि दरवाजे बंद न हो सके। नंबर एट, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आम देशों में हम किसी बिल्डिंग में जाने से पहले अपनी कार या बाइक को पार्क करके अंदर चले जाते हैं, पर जापान में अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना हो तो कार्स और बाइक्स को पार्क करने के साथ साथ अम्ब्रेला भी पार्क करना पड़ता है, और आपका अम्ब्रेला वहां से कोई नहीं ले जा सकता। अम्ब्रेला पार्क करने के पीछे मकसद ये है कि आप बिल्डिंग को पानी पानी करने से बचा सकते हैं अगर आपका अम्ब्रेला पानी से तर हो। जापान के लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग, होटल और ऑफिसेज में इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का इस्तेमाल होता है। नंबर नाइन, मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन्स। दुनिया के कई देशों में वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहीं पूरे जापान में 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। जापान के लोगों का देर रात तक काम करना बिल्कुल आम बात है, और इसीलिए उनके स्नैक्स और सोडा के लिए ही इन वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पर वैसे आप इन वेंडिंग मशीन्स से कुछ भी खरीद सकते हैं, महली से लेकर अंडरवियर भी, कुछ भी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, हमारे देश में भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, ट्रेन डिलेज मेक हेडलाइंस। समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा महत्व है, और ट्रेन स्टेशन इस चीज से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को एक उनके वर्कर्स और पैसेंजर्स के लिए डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिन्होंने उनकी वजह से शायद कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी हो। और अगर ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में एक माफीनामा देना पड़ता है। नंबर 11, साइलेंट करोके। कोन के आकार का बना ये माइक्रोफोन एक अलग तरह का माइक्रोफोन है। इसे वहाँ के लोग अपने मुंह के ऊपर लगा के रखते हैं। इसकी मदद से वो अपनी भुनभुनाहट को दूसरों तक नहीं ले जाने देते। अक्सर जापान में इस गैजेट का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो अपने अगल बगल के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, या फिर वो लोग जिन्हें पब्लिक प्लेस में खुद में गाना गाने में शर्म आती है। नंबर 12, पोलाइट स्लर्पिंग।
वैसे तो दुनिया में कितने ही देशों में झुकने को अच्छा नहीं माना जाता, पर जापान में झुकने से ही किसी खाने की प्रशंसा मानी जाती है। अगर नूडल्स खाते वक्त आप झुके नहीं तो उस रेस्टोरेंट का शेफ ये समझेगा कि आपको उसका नूडल पसंद नहीं आया। नंबर 13, फेस नैपकिंस। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब कभी भी हम बर्गर खाते हैं तो हमारे मुंह पे केचप लग ही जाता है, चाहे हम कितना ही आराम से क्यों न खाएं। पर वहाँ के एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। वो रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों का चेहरा एक अलग तरह की नैपकिन से कवर कर देते हैं, जिससे कि उनके बर्गर खाने से उनका चेहरा गंदा नहीं होता। पर हाँ दोस्तों, देखने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। नंबर 14, वाटर सेविंग सिंक्स। जापान में इन बेसिंस को बिल्कुल टॉयलेट्स के बगल में लगाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि टॉयलेट के तुरंत बाद पहले आप अपने हाथ धो लें और फिर वही पानी आप फ्लश के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो इसी तरीके से आप एक ही पानी से दो काम कर सकते हैं। नंबर 15, स्ट्रेंज मायो। दोस्तों, जापान में मेयो की कोई खास रेसिपी नहीं है। वहाँ पे लोग इसका इस्तेमाल सैंडविच, सलाद या मीट में नहीं करते, बल्कि वो इसका इस्तेमाल आइसक्रीम्स और पैनकेक्स के ऊपर करते हैं। अजीब है पर सच है दोस्तों। नंबर 16, नैप्स एट वर्क। जापान में अगर किसी इंसान को झपकी लेते हुए पाया गया तो उसको मैनेज से काम करने की निशानी माना जाता है, और इसीलिए वहाँ झपकी लेने को बिल्कुल गलत नहीं माना जाता। पर अगर हमारे देश में ऐसा कर दिया जाए तो उसे तो काम से निकाल देंगे, है कि नहीं दोस्तों। नंबर 17, वर्ल्ड शॉर्टेस्ट एस्केलेटर। कावासाकी शहर के मोर्स डिपार्टमेंट स्टोर में आपको दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर देखने को मिल जाएगा। इस एस्केलेटर में बस 5 सीढ़ियां हैं और सिर्फ 33 इंच लंबी। ये तो है जापान के लोग टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 18, डॉल विलेज। जापान के इस गांव नगरो की आबादी 300 लोगों की हुआ करती थी, पर इस गांव में अब 40 के आसपास ही लोग रहते हैं। एक लोकल आर्टिस्ट सुकीमी आयनो ने इंसानों के आकार की गुड़िया बनाई, जिनमें से कई सारे वहाँ के लोगों की तरह लगती थी, और उन्हें वहाँ ऐसे रखा जाता था जैसे वो कोई काम कर रहे हो, जैसे कि उन्हें गांव के स्कूल में किसी क्लासरूम में बैठा दिया जाता है, जो कि शायद अब कुछ दिनों पहले बंद कर दिया गया है। नंबर 19, नंबर फोर्स। दोस्तों, जापान के कल्चर में ये बहुत आम है कि वहाँ के लोग 4 नंबर से बहुत बचते हैं, क्योंकि वो लोग इसे बहुत अशुभ समझते हैं, और इसीलिए जापान की बिल्डिंग्स 4 फ्लोर की नहीं होती, और वहाँ की दुकानों पर चम्मच के सेट भी नहीं बिकते। उन्हें 4 नंबर से इतनी नफरत है कि वो घर में 4 मेहमानों को भी नहीं आने देते, वो उसे कोई अशुभ काम की निशानी मानते हैं। नंबर 20, ब्लू ट्रैफिक लाइट। जापान के सड़कों पर हरे कलर की लाइट की जगह नीले रंग की लाइट का इस्तेमाल होता है, और इसके पीछे का राज इनके नाम में ही छुपा है। इतिहास में ग्रीन और ब्लू को एक ही नाम ब्लू से जाना जाता था। जब जापान में पहली बार ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था तो वो हरे कलर के ही लाइट्स का इस्तेमाल करते थे, पर जब उन्होंने सच जाना तो उन्होंने ग्रीन की जगह नीली लाइट्स का इस्तेमाल करने का इरादा बना लिया। नंबर 21, क्लीनिंग क्लासेस। जापान के सभी स्कूल में बच्चे अपने क्लासरूम को खुद ही साफ करते थे, क्योंकि वो इस काम को अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा समझते थे, और यहाँ तक कि वहाँ के टीचर्स भी इसमें उनकी मदद करते थे। क्लासरूम के साथ साथ बाथरूम भी साफ करने की जिम्मेदारी भी स्कूल के बच्चों को ही दी जाती थी, क्योंकि वहाँ के टीचर्स का मानना है कि ये काम उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में उनकी मदद करेगा। नंबर 22, फुटपाथ ट्रेन। सुडोई टूरिस्ट ट्रेन जापान की एक ऐसी ट्रेन है जिसमें ऐसा ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस ट्रेन में फुटपाथ की सुविधा भी पाई जाती है, खुशबूदार सरों के पेड़ की मदद से बनाए गए, और इसमें हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पैसेंजर्स को काफी आराम देता है। नंबर 23, फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट। जापान के टॉयलेट्स आम टॉयलेट्स की तरह बिल्कुल नहीं होते, ये बहुत ही अच्छी तकनीक से बनाए गए हैं। इन टॉयलेट्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें मौजूद इन बटन्स का मतलब क्या है। इसमें कई अलग तरह के ऑप्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहे तो टॉयलेट सीट को अपने मुताबिक गर्म कर सकते हैं, आप चाहे तो गर्म पानी स्प्रे कर सकते हैं, और चाहे तो आप गाने भी बजा सकते हैं। दोस्तों, जापान के इस टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 24, क्रेजी फ्लेवर आइसक्रीम। जापान के लोग खाने के अजीब अजीब जोड़े बनाते हैं और उसे बड़े चाव से खाते हैं, उसी में से एक है ये आइसक्रीम फ्लेवर। आइसक्रीम फ्लेवर के नाम पर जापान के लोग घोड़े का मांस, कैक्टस, चारकोल, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब इनके लिए कोई हैरत की बात नहीं। नंबर 25, स्पेस सेविंग पार्किंग लोट। दोस्तों, जापान लोगों से भरा हुआ देश है। वहाँ के लोग पार्किंग लॉट्स के नाम पर जगह की बर्बादी बिल्कुल नहीं करते। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरह वहाँ के लोग मल्टी लेवल गैराज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 26, रोबोट रन होटल। नागासाकी के एक होटल में रोबोट वहाँ के स्टाफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्हें हैन्ना के नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा मतलब है स्ट्रेंज।
इंसानों की तरह दिखने वाले ये रोबोट हर वो काम करते हैं जो एक इंसान करता है, जैसे कि गेस्ट से मिलना, लगेज उठाना, कॉफी बनाना, रूम को साफ करना और भी बहुत कुछ। और तो और वो बात करते वक्त मुस्कुराते भी हैं, पर उनके अगल बगल वहाँ के स्टाफ मौजूद रहती हैं इसकी देखरेख में कि आखिर वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। नंबर 27, कैफे कंपेनियन। किसी कैफे में अकेले बैठकर कॉफी या खाना खाना हो तो बहुत लोगों के लिए आम बात होगी, पर जापान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके सामने बड़े बड़े कार्टून्स बिल्कुल आपके सामने बैठे होंगे, जिससे कि आपको अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस का मजा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।